राजस्थान में पिछले एक महीने से चल रहा सियासी संकट टलता दिख रहा है। सोमवार देर शाम राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद सचिन पायलट की कांग्रेस की वापसी का रास्ता साफ हो गया। सचिन पायलट ने कहा कि पार्टी पद देती है तो पार्टी पद ले भी सकती है। कांग्रेस आलाकमान ने पायलट को आश्वासन दिया कि उनके और अन्य बागी विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री पद बागी विधायकों को उनके पद दोबारा देने और कमेटी गठित करने जैसे समझौतों पर भी बात हुई। पायलट की तमाम मांगों को लेकर एक 3 सदस्यों की कमेटी जांच करेगी। यह कि कांग्रेस अध्यक्ष ने, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने, हम सब ने विस्तार से आज चर्चा करी और हमारे जो साथी विधायक हैं उन सबकी बातों को, उन सबके कंसर्न्स को हमने प्लेटफॉर्म पर रखा है और मुझे आश्वासित भी किया गया है, मैं धन्यवाद देता हूँ इस बात का कि ये 3 सदस्य कमेटी बनकर बहुत जल्द उन तमाम मुद्दों का निराकरण करेंगे जो मुद्दे हम लोगों ने उठाए हैं। मैं फिर कहना चाहता हूँ, सैद्धांतिक मुद्दे थे, गवर्नेंस के इश्यूज से जो मैं चाहता था एड्रेस हों ताकि पार्टी और सरकार उन वादों पर खरा उतर सके जिन वादों को कर हम सत्ता में आए थे। और पार्टी पद देती है, पार्टी पद ले भी सकती है, मुझे पद की बहुत लालसा नहीं है, लेकिन मैं चाहता था जो मान सम्मान स्वाभिमान की बात हम लोगों ने करी थी वो बनी रहे। कांग्रेस में पायलट की वापसी किन शर्तों पर हो रही है, उन शर्तों पर गहलोत खेमा किस हद तक सहमत होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन करीब एक महीने के बाद खत्म हो रहे सियासी संकट में जीत किसकी हुई और कौन हारा, इसकी तह तक जाना जरूरी है। गहलोत सरकार से बगावत के बाद पायलट के हाथ क्या लगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन पायलट की बगावत ने गहलोत सरकार के नाक में दम तो कर ही दिया। सरकार को एक महीने से ज्यादा वक्त तक होटल में रहना पड़ा। असल में पायलट ये बाजी उसी दिन हार गए थे जब उनके खेमे के 3 विधायक दूसरे ही दिन गहलोत खेमे में आ गए। उसके बाद रही सही कसर बीजेपी की निष्क्रियता ने पूरी कर दी। माना जा रहा है कि पायलट इस लड़ाई को ज्यादा लंबा खींचने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि वो समझ गए थे कि जिस मकसद से उन्होंने बगावत की है वो सफल होता नहीं दिख रहा है। कांग्रेस के बाहर पायलट के पास बहुत कम विकल्प बचे थे। बीजेपी में पायलट की एंट्री पर वसुंधरा राजे गुट ने अड़ंगा लगा दिया था। नई पार्टी बनाने का विकल्प भी पायलट और उनके समर्थकों को रास नहीं आया, लिहाजा सचिन पायलट कांग्रेस में वापसी के लिए आलाकमान के इशारे का इंतजार कर रहे थे। आलाकमान के साथ तथाकथित शर्तों पर हुई सुलह को पायलट खेमा अपनी जीत की तरह देख रहा है। पायलट खेमे की ओर से बार बार कहा गया है कि वो बागी नहीं है, सिर्फ अपनी बात आलाकमान तक रखने आए हैं। उधर पायलट और उनके समर्थक विधायकों की घर वापसी ने निश्चित तौर पर गहलोत खेमे के विधायकों की चिंता बढ़ा दी है। निश्चित है पायलट खेमे की वापसी किन्हीं शर्तों पर ही हुई है, जिसमें पायलट खेमे के लिए पहले से ज्यादा मंत्री पद मांगे गए होंगे। पायलट की घर वापसी में गहलोत की जीत भी है और हार भी। पायलट की बगावत के बाद जिस तरह से गहलोत ने पायलट पर निजी हमले किए, पायलट को निकम्मा और नकारा तक कह दिया था, उससे इस बात के संकेत मिल रहे थे कि गहलोत किसी भी कीमत पर पायलट की कांग्रेस में वापसी नहीं चाहते। लेकिन गहलोत ये भी जानते थे कि पायलट की बगावत देर सवेर सरकार के लिए मुसीबत का सबब बनती रहेगी, लिहाजा पायलट की घर वापसी से गहलोत की सरकार तो स्थिर रहेगी ही, सीएम भी अशोक गहलोत ही रहेंगे, पार्टी और सरकार भी गहलोत का ही दबदबा रहेगा और पायलट जहां से चले थे वहां से एकदम पीछे ही खड़े होंगे। इस बीच पिछले कुछ दिनों से हरकत में आई बीजेपी को भी सियासी संकट से नई सीख मिल रही है। शुरुआत में इसे कांग्रेस की आपसी कलह बताकर खामोश बैठी बीजेपी में भी कितनी एकजुटता थी, ये कांग्रेस के सियासी संकट में साफ हो गया। बीजेपी नेता और 2 बार सीएम रही वसुंधरा राजे पार्टी की किसी भी बैठक में शामिल नहीं हुई। बीजेपी के स्थानीय नेता भी गुटबाजी में बटे दिखे। जैसे जैसे विधानसभा सत्र का दिन नजदीक आता गया वसुंधरा राजे ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी। राजे ने दिल्ली में बीजेपी आलाकमान के पास डेरा डाल दिया। सब जानते थे कि वसुंधरा राजे की सहमति के बाद ना तो राजस्थान में सरकार गिराई जा सकती है और ना ही नई सरकार बनाई जा सकती है, लिहाजा इस पूरे सियासी संकट में आपसी मनमुटाव और बदनामी के अलावा बीजेपी के हाथ कुछ भी नहीं लगा।